This is Vani and welcome back to Learn with Simplicity. Wow, what a sari! Bravo, we won the match. Alas, you lost the catch. बिल्कुल सही समझे आप. आज हम बात करने वाले हैं इंटरजेक्शंस के बारे में. इस सेशन के एंड तक आई होप एंड आई बिलीव कि आपको इंटरजेक्शंस एकदम क्लियर हो जाएंगे. इंटरजेक्शंस वो वर्ड हैं जो शो करते हैं सडन फीलिंग्स को, राइट? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स लाइक जॉय, सैड, सरप्राइज, शॉक्ड एटसेट्रा. इंटरजेक्शंस को लेके एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इंटरजेक्शंस हमेशा फॉलो करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को. इसको लेके एक डाउट भी रहता है कि क्या वर्ड के बाद स्पेस छोड़ के एक्सक्लेमेशन मार्क लगा जाए या उसके साथ ही. तो लेट मी क्लियर कि जैसे जो वर्ड है उसके साथ ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा विदाउट लीविंग एनी स्पेस, बिना कोई स्पेस को छोड़े हुए. तो इंटरजेक्शन एक्चुअल में मींस, इट मींस थ्रोन इन, राइट? थ्रोन इन. सो क्या थ्रोन इन करता है? जो हमारे विचार आते हैं, जो सडन हम फील करते हैं किसी चीज को लेके. शिट, कोई चीज गिर गई आपके हाथ से, कुछ एक्सपेंसिव चीज गिर गई मेरा फोन, ओ शिट फोन गिर गया, राइट? तो इस तरीके के जो एकदम से आपके अंदर से निकलते हैं, जैसे किसी चीज को देखकर आप वाओ कितना प्यारी चीज है ये, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट एटसेट्रा. तो आज हम बात करेंगे इसी टाइप के जो वर्ड्स हैं, जो इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, उनको लेके कि कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको एज इंटरजेक्शन हमें यूज करना है. सो लेट मी डिस्कस अबाउट द इंटरजेक्शंस एंड द फीलिंग्स व्हिच दे शोस, राइट? सो हुर्रे, हुर्रे शो करता है जॉय, खुशी को. और अगर आपको दुख शो करना है, ग्रीफ शो करना है, तो हम यूज करते हैं अलास. ग्रीटिंग्स के लिए हम यूज करते हैं हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग. और समटाइम्स ग्रीफ के लिए आह वर्ड आल्सो कैन बी यूज. सैडनेस के लिए भी यूज करते हैं ओ. और समटाइम्स फॉर वंडर ओ, उसके लिए भी हम ओ यूज करेंगे. श यूज करते हैं टू इंडिकेट करने के लिए टू बी क्वाइट और टू बी साइलेंस. व्हाट सरप्राइज के लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल सरप्राइज. सरप्राइज के लिए भी और कभी कभी एंगर के लिए भी हम यूज करते हैं व्हाट. व्हाट, हाउ डिड यू से दिस? ओके, सो अगर हमें अप्रिशिएट करना हो, हमें अपनी हैप्पीनेस शो करनी हो, तो हम यूज करते हैं ब्रावो. सरप्राइज के लिए या डिलाइट के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं वाओ. कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, किसी को हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, आओ. आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे भी कि कमेंट में, जैसे आपने किसी बेबी की पिक अपलोड की है या कोई बहुत क्यूट सी चीज आपने डाली है, तो वो आओ, ओ सो ब्यूटिफुल, सो चार्मिंग, सो क्यूट, इस टाइप के कमेंट्स आपको देखने को मिलते होंगे. तो ये इंटरजेक्शंस ही हैं. लाइक चीयर्स, चीयर्स यूज करते हैं हम हैप्पीनेस के लिए, हैप्पीनेस शो करने के लिए. तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि हम वी आर यूजिंग वेरी कॉमनली एज इंटरजेक्शंस, राइट? आइए इंटरजेक्शंस को और क्लियर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया. वाओ, क्या ब्रिलियंट आइडिया है. हु, व्हाट डिड यू से? हु, क्या कहा तुमने? ओप्स, आई एम सॉरी, ओप्स, मुझसे गलती हो गई. आउच, दैट हर्ट्स. आउच, लगती है, चुभता है, दर्द होता है. यक, इट टेस्ट ऑफुल. यक, कितना बुरा टेस्ट है. बिंगो, योर आंसर इज करेक्ट. सो बिंगो, तुम्हारा आंसर करेक्ट है, तुम्हारा आंसर सही है. श, क्वाइट, श, चुप रहो. ये, आई वॉन द बैट. ये मैं शेयर जीत गई. और इसी को अगर आपको ग्रीफ में, डैम,
आई लॉस्ट द बैट. डैम, मैं शायद हार गई. चीयर्स, वी लर्न इंटरजेक्शंस. चीयर्स, हम इंटरजेक्शन सीख गए. ब्रावो, आई डिड अ गुड जॉब. ब्रावो, मैंने बहुत अच्छा काम किया. व्हाट, यू आर गोइंग टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो. क्या आप मेरी वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट करने वाले हैं? ओह दैट्स ऑसम, ओह दैट्स ऑसम, ये बहुत अच्छी बात है. तो दोस्तों, ये थे इंटरजेक्शंस और इंटरजेक्शन से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस. आप इन्हें प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये न केवल आपकी स्पीकिंग कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, बल्कि आपकी राइटिंग में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे. तो इन वर्ड्स को, इंटरजेक्शंस को यूज कीजिए, क्योंकि ये आपकी जो वोकैबुलरी है उसको बिल्डअप करेगा, प्लस आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको एनहांस करेगा, प्लस आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको भी ये बहुत ही बिल्डअप करेगा. सो गाइज, कीप स्पीकिंग इन इंग्लिश, कीप लर्निंग इंग्लिश, एंड बी कंफर्टेबल, बी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज. नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.